तो एक बहुत ही खूबसूरत सा दिन है गाइस अपने लॉस सेंटोस के अंदर फिर से आज। और ये देखो भाई, मैंने अपने मैजिकल पेंटिंग पैड से एक नई गाड़ी बनाई है, मर्सिडीज एएमजी, और काफी बढ़िया लग रही है यार। वैसे मेरे को कुछ कलर नहीं सूझा यार इसका क्या रखूं मैं, इसलिए मैंने वाइट कलर ही रख दिया। और वाइट कलर में भाई बढ़िया लग रही है। और कौन सा कलर इस पे अच्छा लगता है? शायद येलो, येलो और बढ़िया लगता। खैर जो भी हो, ओए इस वाले बंदे के पास भी नहीं, लेकिन लग नहीं रहा जैसे मर्सिडीज एएमजी है उसके पास भी। खैर जो भी हो, मैं कह रहा था कि देखो भाई इसकी जो स्पीड है वो भाई काफी ज्यादा अच्छी खासी है। मैंने इसे सुबह सुबह ही ड्रॉ किया था भाई, मेरे पास कुछ आइडिया नहीं था यार मैजिकल पेंटिंग पैड से क्या ड्रॉ करूं, मैं कौन सी गाड़ी ड्रॉ करूं, इसलिए मैंने डायरेक्टली मर्सिडीज एएमजी ही ड्रॉ कर डाली। और देख सकते हो काफी अच्छी स्पीड है, बस हैंडलिंग थोड़ी सी अजीबोगरीब है। और खरगोश भाई हट जाओ, बाकी एक सेकेंड, वो क्या चीज है यार वहां पर, कुछ जानवर वानवर है क्या? कुछ तो अजीबोगरीब है। एक सेकेंड, ओए वेट, कोई बाइक लग रही है मेरे को, यहाँ से चल के देखते हैं। रुक जाओ भाई, बाइक जैसा ही फील आ रहा है उसको देख के तो। यस गाइस बाइक ही है भाई, ये एक बाइक है जिसके पीछा वाला व्हील जो है टूट गया है। इसकी बाइक हो सकती है ये? पता नहीं भाई किसकी बाइक है। चलो जरा इस पे बैठ के चलाने की कोशिश करता हूँ। ऐसी बाइक चलाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं जिसके पीछे कोई व्हील ही नहीं है, और ये नहीं चल रही है। ओए वेट, बूस्टर है इस बाइक के अंदर क्या? अरे लिटरली में इस बाइक के अंदर भाई बूस्टर है। ओए ओए रुक जा, ओए रुक जा, अरे पानी में चली गई भाई। यार ये वाली बाइक कोई तगड़ी सी बाइक लग रही है। इसको अगर शायद से मैं रिपेयर विपेयर करूं मैजिकल पेंटिंग पैड के थ्रू तो हमें कोई बढ़िया बाइक मिल सकती है यार। चलो इसको लेकर चलते हैं। यस डेफिनेटली फटाफट से इसको लेकर चलते हैं अपने मैजिकल पेंटिंग पैड के पास, और फिर इसको रीड्रॉ करके इसमें अपग्रेड्स करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे गाइस एंड रिजल्ट में हमें कौन सी बाइक मिलती है। लेट्स डू दिस, मजा आएगा, लेकर चलते हैं इस बाइक को। ओके तो अभी बाइक मैंने रख दी है भाई इस गाड़ी पे। चलो वैसे घर से ज़्यादा दूर भी नहीं हूँ मैं, जल्दी पहुँच जाएंगे और कुछ तगड़ा सा अपग्रेड करेंगे इस बाइक के अंदर। देखते हैं गाइस, देखो अभी तुम लोग इस वाली बाइक को अच्छी तरीके से देख लो ये बाइक दिखने में कैसी है, फिर एंड में देखना ये बाइक कैसे से कैसी हो जाने वाली है, बहुत ज़्यादा तगड़ी। ओके पूरा एक प्रोसेस लगेगा भाई, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली मैजिकल पेंटिंग पैड से इस वाली बाइक को अपग्रेड कर देना, बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से मज़े से आराम से इस गाड़ी को अपग्रेड करेंगे। और देखते हैं मैक्सिमम अपग्रेड्स के बाद ये बाइक कैसी दिखती है। चौ भाई एक तगड़ी सी बाइक लेकर आया हूँ मैं, बैक कर लू है तगड़ी सी, देख तो ज़रा मेरी बाइक को, रुक जा अभी लेकर आता हूँ छत पे। बैक कर लू है, किस एंगल से तुझे ये घटिया सी बाइक तगड़ी सी बाइक लग रही है? तेरे को ये तगड़ी बाइक नहीं लग रही? बै बिल्कुल भी नहीं लग रही। बै जा भाई चौप, मेरी नजरों से देख तू, तेरी नजरों से देखूंगा तब भी ये तगड़ी नहीं दिखेगी। अब बै रुक जा, जरा इस बाइक को देख, क्या है इस बाइक के अंदर? कुछ भी नहीं है, बूस्टर है इस बाइक के अंदर। बैक कर लू है, क्या बात कर रहा है वो, फिर तो ये बाइक डेफिनेटली बहुत तगड़ी होगी, जब इसके अंदर व्हील नहीं है तब इतनी अच्छी खासी चल पा रही है गाइस ये बाइक। सोच भाई चौप, अगर इसके अंदर हम लोगों ने व्हील डाल दिया और अपग्रेड कर दिया इस बाइक को, कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाइक बन सकती है ये। वह कलवे बात तो सही कह रहा है यार, तो करे क्या अपग्रेड, चल फिर ठीक है कलवे ले आ, इसके अंदर मिल के हम दोनों मिल के अपग्रेड करेंगे। ठीक है सबसे पहले तो इस बाइक को रिपेयर करना होगा। हाँ यार सबसे पहले तो रिपेयर कर, चलो गाइस मैजिकल पेंटिंग पैड का यूज़ करते हैं। तो जो बाइक है वो कुछ ऐसी सी है, देखो भाई ये आगे का है व्हील, पीछे का तो व्हील ही नहीं है ठीक है। इसके बाद ये कुछ इस तरीके से, इसके बाद कुछ इस तरीके से। ओके बैक कर लो, बाइक कम साइकिल लग रही है ज़्यादा ये। यार तू चौप बेइज्जती मारना बंद कर, बेइज्जती वाली बात नहीं है भाई, ये बाइक ही नहीं लग रही, बाइक ही है ये, तो टेंशन मत ले। ओके ये लो गाइस हमारी बाइक रेडी है, लग ही नहीं रही, तू चुप हो जा यार भाई। तो ऐसी कुछ तो बाइक है भाई आगे, ऐसा कुछ येलो ब्लू कलर ऐसा कुछ तो है, और फिर ये सब ब्लैक एंड ग्रे कलर का है भाई, ये ब्लैक ग्रे सब जल भुन गया है भाई, ये लो ब्लैक ग्रे। अरे ऐसी सी तो कुछ हमारे पास बाइक है ठीक है, अब इसे कर देते हैं फटाफट से रिपेयर। सबसे पहले तो रिपेयर करते हैं और देखते हैं ये बाइक कैसी होती है रिपेयर होने के बाद, लेट्स गो। ओके ओके तो यहाँ पर ये जो बाइक है रिपेयर हो चुकी है भाई, नाइस। देख रहा भाई चौप, रिपेयर होने के बाद कितनी अच्छी खासी चल रही है। बैक कलवे ये तो नॉर्मल सी बाइक लग रही है, हट तू अब मैं अपग्रेड करूंगा। क्या करेगा तू इसके अंदर, तू देखता जा, बहुत तगड़ा अपग्रेड करने वाला हूँ। ठीक है कर भाई,
बे देख भाई कलवे, ये तो तेरी बाइक थी ठीक है, अब मैं करूंगा इसका ये वाला हिस्सा और ये पीछे वाला हिस्सा पूरा ही रेस कर दूंगा। अबे क्या कर रहे तू? बे मेरे को करने दे जो मैं करना चाह रहा हूँ ठीक है। पता नहीं भाई चौप कुछ तो खतरनाक इरादे लेके घूम रहा है। ओके ये क्या है? तू देखता जा भाई कलवे। ओके ये आगे वाला व्हील ड्रॉ कर रहा है और ये पीछे की तरफ कुछ तो ड्रॉ कर रहा है। आई हैव नो आइडिया भाई क्या ही चालू है इसका, कि कुछ तो पागलबंदी चालू है। एक सेकेंड, आगे वाला व्हील अब बना रहा है ये। ओके व्हील यहाँ पर रेडी हो चुका है। अबे व्हील के अंदर भी व्हील बना रहा है, क्या कर क्या रहा है ये? पैक चौप भाई क्या कर रहा है तू? ए देखता जा भाई तू। ओके गाइस कुछ तो डेफिनेटली इसने तगड़ा प्लान किया है, लास्ट में पोपट ना कर दे ये। ओके नाइस नाइस नाइस। अब देख भाई क्या करता हूँ मैं, ब्लू कलर, इसके अलावा यहाँ पर इसने लिया येलो कलर, फिर इसने लिया येलो, फिर से ब्लू। अबे करना क्या चाह रहा भाई तू? अब देख ना भाई कलू है, तू देख बस क्या बनाना चाह रहा है। अबे ये कैसा कलर है भाई बाइक का? देखता जा तू बस। ओके कुछ तो अजीबो गरीब कर दिया भाई इस चौप ने, से लेकर आते रियल लाइफ में। लेट्स गो 3 2 1। यार चो हमने तो बाइक का पूरा हुलिया ही बदल दिया। ओ तेरी, ये तो अब और अच्छी लगने लग गई। येलो एंड ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन कितना प्यारा लग रहा है, ये तो ट्रोन बाइक जैसी लग रही है। यार ट्रोन बाइक इतनी पतली थोड़ी ना होती है, ट्रोन बाइक तो वो मोटी सी होती है, ये ट्रोन बाइक से भी अच्छी लग रही है। हाँ यार ये तो सीरियसली में ट्रोन बाइक से भी अच्छी लग रही है, ट्रोन बाइक तो गाइस मोटी सी होती है। और वाह भाई बढ़िया लग रही है ये तो, स्पीड देख भाई चौप इसकी। और बूस्टर तो था ही ऑलरेडी इसके अंदर, और इस बूस्टर के चक्कर में गिर गया मैं। बैक कल वे अभी अभी थोड़े बहुत और अपग्रेड्स करते हैं चल। इसके अंदर क्या और अपग्रेड्स किए जा सकते हैं? हाँ मेरे पास एक आइडिया है। क्या भाई कल है इस वाली बाइक की जो सीट है भाई, इसकी बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल सी है। मैं क्या सोच रहा हूँ, इस बाइक के पीछे एक बैक रेस्ट लगा देते हैं जिसपे हम लोग ऐसे पीठ के बल आराम कर सकते हैं। ओ आइडिया बढ़िया है, आइडिया बढ़िया है। तो चल फिर लगा देता हूँ मैं एक बैक रेस्ट, लेट्स गो गाइस। बट बैक रेस्ट लगाने से पहले इस वाली बाइक को छत पे लेकर चलते हैं अपने, यहाँ से जंप लगा के। रुको भाई। ओके नाइस जंप, और ये आ गए छत पे। अभी इधर लेकर चलते हैं और इस बाइक के पीछे लगाता हूँ मैं एक बढ़िया सा बैक रेस्ट, लेट्स डू दिस। तो जो बैक रेस्ट है गाइस कुछ इस तरीके से बनेगा, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो ऐसे, ठीक है? कैसा लग रहा है भाई चौप? बैक कल वे ठीक ही लग रहा है, लेकिन कुछ यूनिक बना, ये तो नॉर्मल सस्ता सा बैक रेस्ट लग रहा है। अच्छा इसमें यूनिक क्या कर सकता हूँ, रुक जा सोचने दे थोड़ा मेरे को। हाँ इसमें यूनिक हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। क्या व्हीकल है इसके पीछे? थोड़े से कांटे से लगा देता हूँ भाई, लेट्स गो गाइस। बैक रेस्ट भी लगा दिया है, यहाँ पर थोड़ा हैंडल भी अच्छी तरीके से बना देते हैं। ओके नाइस लेट्स गो, अभी फटाफट से इसको लेकर आते हैं, देखते हैं बैक रेस्ट कैसे लगते हैं इस वाली बाइक के ऊपर। ओके तो यहाँ पर जो बैक रेस्ट है वो आ चुका है। ओके ओह भाई ये कितना एपिक लग रहा है, ये तो बढ़िया लगने लग गई बाइक। बैक कल भाई मेरे दिमाग में एक और मस्त आइडिया आ रखा है भाई। क्या क्या भाई क्या? मैं सोच रहा हूँ आगे अब पीछे तूने ये कांटे लगा दिए, क्यों ना बाइक के आगे घूमते हुए ब्लेड्स लगा दिए जाए। तो लगा दे फिर, ठीक है अभी लगा देता हूँ मैं मैजिकल पेंटिंग पैड का यूज करके बनाते हैं बाइक के आगे ब्लेड्स। भाई ये चौप ने एकदम ही खतरनाक चीज शुरू कर दी यार, बाइक को ऐसे धीरे धीरे अपग्रेड करना। इसके अंदर तो हम लोग जैसे चाहे वैसे अपग्रेड कर सकते हैं। अब देखो भाई ब्लेड्स लगाए जा रहे हैं, ब्लेड्स कौन लगाता है भाई अपनी बाइक के अंदर, बट हम लोग लगा रहे हैं भाई। अगर फास्ट फास्ट अपग्रेड हो रहे होते तो पता भी नहीं चलता कि क्या क्या नई नई चीजें लगाई जा सकती हैं, बट स्लो अपग्रेड्स के अंदर यहाँ पर सब कुछ पता चल रहा है। ओके ये कांटे भी होंगे स्पाइक्स के ऊपर, बहुत ही बढ़िया यार। ओके ये स्पाइक्स लगा दिए हैं। बैक कल भैया यही नहीं, मैं इधर भी स्पाइक्स लगाने वाला हूँ, पीछे वाले व्हील पे भी। अरे भाई क्या बाइक पूरी कांटों से भर रहा है तू तो? अबे देखता जा बढ़िया लगेगी भाई। ओके यहाँ पीछे भी कांटे लगा दिए इसने, लेकर आते हैं अभी से रियल लाइफ में। ओके तो यहाँ पर घूमते हुए ब्लेड्स भी आ चुके हैं, और काफी ज्यादा पैने ब्लेड्स हैं। पीछे यहाँ पर कांटे भी आ चुके हैं येलो कलर के इसके। ओ भाई ये बाइक तो एकदम नेक्स्ट लेवल बाइक बन चुकी है अभी।
ये ब्लेड्स कितने खतरनाक है यार, इससे तो कुछ भी चीज हम लोग कट कर सकते हैं। सामने कुछ भी नहीं बचेगा यार, रुको किसी गाड़ी वाड़ी को कट करता हूँ मैं। ए रुक जाओ सर, रुक जाओ। ओ कितनी तगड़ी चिंगारी निकल रही है गाड़ी से। ओ भाई साहब, गाड़ी तो पूरी काट दूंगा भाई मैं, या फिर किसी नई नवेली गाड़ी पर स्क्रैच लाने के लिए मस्त है यार, कितनी तगड़ी चिंगारी सी निकल रही है। हेलो सर, जरा बाहर निकलो, आपको भी कट करना है मेरे को। भाई बंदे कट जाएंगे इससे तो। मजेदार है, मजेदार है। पैक कर लिया, रुक जा यार, मेरे को एक और आइडिया आ गया। क्या आइडिया आ गया? अब इसके अंदर मशीन गन लगाने का। अब तू मशीन गन भी लगाएगा? बै बिल्कुल भाई, मशीन गन तो लगाना बनता है यार। अबे मान जा भाई, बहुत सारी चीजें लग चुकी हैं। स्पिनिंग ब्लेड्स लग गए, पीछे कांटे लग गए, यहाँ बैक रेस्ट, उनके ऊपर भी स्पाइक्स। बै रुक जा यार, मशीन गन तो लगाना बनता है भाई। ये चौप पागल हो गया है, सीरियसली मैं पागल हो गया है। बै रुक जा भाई, ये हो गए तगड़ी वाली मशीन गन। ओहो, मन गन में भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर गाइस बहुत ही एपिक्स एक मशीन गन भी लगा दी है यहाँ पर चौप ने, और इसके बाहर बुलेट्स भी निकल रही होंगी। चलो भाई, ये भी आ जाएगी अब अपने इस बाइक पे। ओए मशीन गन भी आ गई। ओ तेरी, मशीन गन के अंदर से तो लेजर्स निकल रही हैं, और वो भी तगड़ी वाली। सामने वाली गाड़ी देखो, सामने वाली गाड़ी यहाँ पर गई ब्लास्ट। भाई लेजर तो पावरफुल है। ये देखो यहाँ पर लकड़ी की फेंसिंग है, ये फेंस को भी तोड़ सकता हूँ मैं इस लेजर से। ये सामने वाली गाड़ी गई भाई साहब, ये तो तगड़ी वाली है एकदम। भाई लेजर बहुत पावरफुल है, लकड़ी की फेंसिंग कितनी आराम से टूट रही है भाई। गाड़ियाँ कितनी ज़्यादा इजली ब्लास्ट हो रही हैं। अरे वाह, मज़ा ही आ गया। हेलो सर, ज़रा अपनी गाड़ी ब्लास्ट करवा लो सर। ओके बाय बाय। तो गाइस तुम लोगों को ये बाइक वैसे लग तो नहीं रही, डेडली बाइक कैसी लगी कमेंट में जाकर बताना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल वाली प्रेस करके आज से ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना। भाई चौप ऐसा कुछ कर कि मैं गिरना बंद कर दूं भाई, वो नहीं हो सकता भाई। कल वो तो मैजिकल पेंटिंग पैड भी नहीं कर सकता, कम बोल ले तू। चल गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, ये बाइक कैसी लगी अभी के अभी जाकर कमेंट में बताओ। तब तक के लिए गुड बाय।